चंदन रॉय सान्याल शूटिंग करेंगे उनकी अगली फिल्म वो तीन दिन के लिए। जैसे जैसे बॉलीवुड अनलॉक 2.0 में प्रवेश कर चुका है, वैसे वैसे कई सारी फिल्मों की शूटिंग अब शुरू हो रही है। उन्हीं में से एक फिल्म है वो तीन दिन, जिसकी शूटिंग हाल ही में बनारस में शुरू हो चुकी है। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं राज आशु और इस फिल्म में मुख्य कलाकार है चंदन रॉय सान्याल और संजय मिश्रा। ये फिल्म कहानी है एक रिक्शा चालक और उसके साथ चल रहे एक पैसेंजर की, जिसमें रॉय सान्याल नजर आएंगे पैसेंजर की भूमिका में, वही संजय मिश्रा नजर आएंगे एक रिक्शा वाले की तरह। फिल्म की शूटिंग बनारस में शुरू हो चुकी है। इससे पहले रॉय सान्याल नजर आए थे फिल्म जब हैरी मेट सेजल में। रॉय सान्याल का कहना है कि फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, साथ ही संजय मिश्रा एक कमाल के अभिनेता है जिनके साथ काम करना एक यूनिक एक्सपीरियंस है। चंदन रॉय सान्याल का यह भी कहना है कि 4 महीने बाद वे आउटडोर शूटिंग कर रहे हैं और ये एक अलग ही अनुभव है, जहाँ पे खुद को वो एक बिगिनर की तरह महसूस कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस फिल्म की शूटिंग जल्द से जल्द समाप्त हो, ताकि ये यूनिक कहानी ऑडियंस के सामने प्रस्तुत हो, जिसे ऑडियंस खूब पसंद करे। दोस्तों, इसके अलावा भी यू आर बॉलीवुड के पास आपके लिए बहुत कुछ है। ऊपर दिए गए बॉक्स को दबाकर हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखें। नीचे दिए गए बॉक्स को दबाने से आप वो वीडियोस देख पाएंगे जो YouTube समझता है कि आपको देखना चाहिए। बगल में दिए गए गोल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।